नेशन मेल कम्युनिकेशन में आप सबका खैर मकदम है। आज हम जुनूबी एशिया के सबसे बड़े टॉट फिश फार्म जो कि जिला अनंतनाग के मशहूर सेहत अफजा मकाम कुकरनाग में मौजूद है। आपको बताते चले कि आज से यहाँ ब्रीडिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। अमूमन जो ब्रीडिंग का सिस्टम होता है अक्टूबर और नवंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ कश्मीर के तापमान के हिसाब से नवंबर से स्टार्ट होता है और 54 डेज तक चलता रहता है। स्टार्ट होती है 25 लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। आज तो 3 नवंबर चल रहा है, तो ऊपर वाले के फजल करम से हमारे तो 100 ट्राई से ज़्यादा हमारे फीट एक ट्राई में हमारे 20 से 25 हज़ार एग लगते हैं। तो माशाल्लाह हमने इस अभी 3 हफ्ता हो गया हमें, तो हमने कम से कम 105 ट्राई हमने अभी प्लांट की है वहाँ, जो आपने खुद भी देखे वहाँ। लेकिन इसमें तो हमें मैन्युअली काम करना पड़ता है कि जो आपने अभी देखे कि कितने हमारे बंदे वहाँ लगे हैं कि हमें पिकिंग का जो जिसमें हम कश्मीरी में बोलते हैं कि खराब ठूल, वो जो है वो सब वाइट वाले अंडे होते हैं उनको निकालना पड़ते हैं, क्योंकि ये कहावत भी है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदे करती है। तो इसलिए अगर ये ज्यादा टाइम रह सके तो जो असल अंडा होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो दूसरी जो हमारी इसमें ये है, हमें पहला इसमें फीमेल एंड मेल, जो फीमेल है जो मैच्योर होगी उसको निकालना पड़ता है, जो आपने खुद भी वहाँ देखा है कि हमको उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद उसका मेल से मिल्ट लेना पड़ता है, उसके बाद उनको एग को वॉश करना पड़ता है, उसके बाद अब एक घंटे के बाद हम उनको प्लांट करेंगे ट्रायो में। पहले तो हमें सफाई का खास ख्याल, इसको इस ट्राउट मछली का खास ख्याल हमें सफाई का करना पड़ता है। इसके बाद हमें जो ये देखना पड़ता है कि जो मादा है वो मादा ब्रीडिंग के लिए है या, उसको भी हमें जांच करना पड़ता है, उसको भी सेग्रीगेट वन बाय वन हमें उठानी पड़ती है। उसके बाद हमें ये देखना है किसी के अंडे अंदर से खराब तो नहीं है। उसके बाद ये भी देखना है कि जब हम उसको स्ट्रिप करते हैं उस टाइम इसको इंजरी अंदर ना आए, कि ये मर ना जाए, क्योंकि हमारी जो एक मछली है, एक हमारी मछली 2000 से 3000 अंडे देती है, हमें उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। यह हमें मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये सब मैन्युअली है, ये मशीनरी नहीं है कि आप मशीन आएगी वो अंडे निकालेगी उसमें और डाले, ये हमें सब मैन्युअली करना पड़ता है। और इसमें और एक प्रॉब्लम है कि दिसंबर नवंबर में स्टार्ट होती है एंडिंग फरवरी तक, क्योंकि यहाँ तो बर्फ ज्यादा पड़ता है। आज तो शुक्र ऊपर वाले का अभी तो धूप निकलता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है उस टाइम हमारी मछली ज्यादा ब्रीडिंग करती है। मज़ीद फिश ट्रॉट फिश फार्म के बारे में जानने के लिए हम यहाँ के चीफ प्रोजेक्टर ऑफिसर से बात करना चाहेंगे। ये पहले होता था नवंबर फर्स्ट वीक, तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, चूँकि हमने जो डेनमार्क से नया ब्रीड इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ फ्लश हो या जो फिश ये सीड प्रोडक्शन हो या एग प्रोडक्शन हो उसमें इजाफा हो, उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट हो, तो उसकी वजह से हमने 2019 में बाहर से डेनमार्क से जेनेटिकली इम्प्रूव वैरायटी लाई। तो इसकी वजह से अब ये जो ब्रीडिंग सीजन है वो लास्ट वीक चौथा हफ्ता होता है इसका अक्टूबर में, उसमें शुरू होता है। देखिए ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है होती है, इसमें तमाम जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में ब्रीडिंग करानी पड़ती है, इसमें सक्सेस के बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एवरी ईयर पिछले साल से इस साल हमारा जो टारगेट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन अब फिर भी ये चांसेस ऑफ अनकाउंटर
इसमें जो मेल फीमेल का होता है वो उसमें कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी ज्यादा भी होता है। मोस्टली वी आर एक्सपेक्टिंग ए बम्पर हार्वेस्ट। गौरतलब की बात है कि रेनबो ट्रॉट फिश न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि दूसरे ममालिक में भी बहुत खास मानी जाती है, और ये जो रेनबो ट्रॉट फिश होती है ये सालाना कश्मीर में 482 टन में कंज्यूम की जाती है। साथ साथ रेनबो ट्रॉट फिश की ये भी खासियत है कि ये इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। एशियन मील के लिए मैं आसिया नजीर शाह हिलाल के साथ कुकरनाग अनंतनाग।